नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IICT इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, देखिए कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं फिर से उपस्थित हूँ चैप्टर नंबर 8 के साथ, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे UIDAI एग्ज़ाम के बारे में तैयारी बहुत अच्छे से करा रहे हैं, जो कि आधार सेंटर खोलने के लिए एक अनिवार्य योग्यता होती है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड आप उसके जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उससे रिलेटेड हम आपको चैप्टर नंबर 8 लेके आ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम यहां पे आपको UIDAI की तैयारी बहुत अच्छे से करा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो आधार कार्ड संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने या करने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी भी जनसांख्यिकी जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक या बहुरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो 10,000 रुपये तक हो सकता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले का जो चैप्टर है उसमें भी हमने अपवाद संबंधी क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें ऑपरेटर के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है उसके विषय में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेट होगा, तो कौन सा ऑप्शन सेट होगा, कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो आधार कार्ड संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुँचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने करने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी भी जनसांख्यिकी जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक या बहुरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो रुपए तक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अब रुपए के बारे में बताना है कि कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऑप्शन हैं 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। तो यहाँ पे कितने रुपए का जुर्माना लगेगा, इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा, 10,000 रुपये। तो यहाँ पर 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो रुपए तक हो सकता है। कितने रुपए तक हो सकता है, ऑप्शन है 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000।
तो कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा 1 लाख रुपए तक, यानी जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो, जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है, को किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो रुपए से कम नहीं होगा। तो कितने रुपए से कम नहीं होगा? ऑप्शन है 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा 1 लाख। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में इसके लिए निश्चित किया गया है। ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65, भारतीय दंड संहिता की धारा 67, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। तो कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ क्या होगा? कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कंटेनमेंट, कंप्यूटर वायरस और डैमेज के अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित अधिनियमों में इनके लिए निश्चित किए गए हैं। ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65, भारतीय दंड संहिता की धारा 67, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसके पहले ऑप्शन जो बताया गया है, कौन सा बताया गया है? दूसरा बताया गया है। तो इसके पहले अभी का आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43। अगला क्वेश्चन, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोधकर्ता इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है, को कारावास की सज़ा होगी, जिसे साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जो भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे 1 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा या उस पर जुर्माना हो सकता है जो रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ये कितने रुपए तक बढ़ाया जाएगा? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 25,000, 50,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कितना जुर्माना लगाया जाता है? ऑप्शन होगा हमारा 25,000। अगला क्वेश्चन है, जो भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। नंबर 1 दिया है 1 अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 में दिए है जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है। नंबर 3 कह रहा है 1 अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4 जुर्माना दो जो रुपए 15,000 तक हो सकता है।
सही दंड की पहचान करें। तो इसमें सही दंड की पहचान करना है। ऑप्शन दिया है, एक में दिया है एक या दो, दो में दिया है एक या चार, सी में दिया है दो या तीन, डी में दिया है तीन या चार। यानी जो ऊपर क्वेश्चन बताए गए हैं चार विकल्प, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा इनके आधार पे? सही ऑप्शन होगा हमारा एक और दो, यानी जुर्माना जो 25,000 रुपये हो जाएगा, और एक अवधि के लिए कारावास जो एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन, तो कोई भी अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 की उपधारा की जानकारी का उपयोग करता है, दंड का भागी होगा। यहाँ दिए गए कुछ दंड हैं, दंड में दिए हैं नंबर एक में एक अवधि के लिए कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दो में दिया है जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है, तीन एक अवधि के लिए कारावास जो एक साल तक बढ़ाया जा सकता है, और चौथा दिए है जुर्माना जो रुपये 1,00,000 तक बढ़ाया जा सकता है। सही दंड की पहचान करें। इसमें ऑप्शन दिया है पहले में एक या दो, बी में दिया है एक या चार, सी में दिया है दो या तीन, डी में तीन या चार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चार दंड दिए गए हैं, उनमें से सही दंड कौन कौन से होंगे? सही दंड होंगे हमारे तीन और चार, यानी एक वर्ष के लिए कारावास हो जाएगा और 1,00,000 रुपये जुर्माना बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ अदालतों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम हैं? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्राथमिक न्यायालय, न्यायिक सेवा आयोग। उन अदालतों की पहचान करें जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। यानी ये चार अदालतों में से कौन सी अदालत है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अपराध के लिए दंड दे सकते हैं? ऑप्शन है एक या दो, एक या चार, दो या तीन, तीन या चार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा एक या दो, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये दो अदालतें हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दंड दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ पुलिस रैंक दिए गए हैं। नंबर एक में दिया है पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस, पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सहायक निरीक्षक। उन रैंक की पहचान करें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध की जांच कर सकी। तो इनमें से कौन सी ऐसी पुलिस है जो जांच करती है ऐसे अपराधों के लिए? ऑप्शन है एक या दो, एक या चार, तीन, तीन या चार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अपराध की जांच कर सकती है, ऑप्शन होगा सी, यानी पुलिस इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है, कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने कामा नकली पहचान के प्रमाण या पते के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहां कुछ लोग दिए गए, कौन है? ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार, परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा होगी? यानी जो छेड़छाड़ करते हैं, जैसे ऑपरेटर हो गए, पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार या परिचयकर्ता, उनमें से किसे अपराध के लिए सजा होगी? तो ऑप्शन है एक या दो, एक या चार, तीन, तीन या चार। तो इसमें से किसको किसको सजा होगी? इसमें से एक और दो दोनों को सजा होगी, यानी ऑपरेटर और पर्यवेक्षक, ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों को सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह है जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी से किसी भी डेटा को डाउनलोड या कॉपी करता है या किसी निकाले जाने योग्य संग्रहण के माध्यम से संग्रहित करता है, यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। नंबर एक में दिया है एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, दो में जुर्माना जो 1,00,000 रुपये से कम नहीं होगा, तीन एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, चार
जुर्माना जो रुपये 30,000 से कम नहीं होगा। इसके विकल्प कौन से हैं? ऑप्शन है एक या दो, दो तीन या चार, दो और चार, एक या चार। तो इनमें से जो दंड दिए गए हैं विकल्प के आधार पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सही होगा एक और दो, यानी एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना 1,00,000 रुपये से कम बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चोरी छिपे नष्ट करने या बदलने का कारण बनाता है वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड इस प्रकार हैं, ये दंड दिए हैं एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जो रुपये 1,00,000 से कम नहीं होगा, सॉरी 10,00,000 से कम नहीं होगा, एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जो रुपये 30,000 से कम नहीं होगा। तो ऑप्शन है एक या दो, बी में 3 या 4, सी में 2 और 4, डी में 1 और 4। तो इन दंड में से कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं? तो इसमें से हमें पहला और दूसरा दंड दिया जा सकता है, यानी जुर्माना 1,00,000 रुपये 10,00,000 से कम नहीं होगा और एक वर्ष अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 के उपधारा 2 या धारा 8 के उपधारा 3 की अपेक्षाओं का पालन सॉरी अनुपालन करने में विफल रहता है दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर एक दिया है एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जो रुपये 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, चौथा ऑप्शन दिए है नंबर जुर्माना जो रुपये 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है। सही विकल्प को पहचानें। विकल्प दिया है एक या दो, एक या चार, दो और तीन, तीन और चार। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प हमारे यहाँ पे बी नंबर सही होगा, एक और चार। अगला क्वेश्चन है जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुंचाने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाने से इनकार कर देता है तो वह दंडनीय होगा। ऑप्शन विकल्प सॉरी यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, एक वर्ष की अवधि कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जो 1,00,000 10,00,000 से कम नहीं होगा, एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जो रुपये 30,000 से कम नहीं होगा। सही विकल्प को पहचानें। विकल्प क्या हैं? एक ऑप्शन ए में 1 या 2, बी में 3 या 4, सी में 2 और 4, डी में 1 और 4। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही होगा ए नंबर 1 और 2। अगला क्वेश्चन है यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। नंबर एक, एक व्यक्ति या कंपनी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है या केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करती है, क्या कारण बनती है या कारण बनती है। दो में, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में डेटा क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का कारण बनता है। तीन, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में किसी भी वायरस या अन्य कंप्यूटर प्रदूषक प्रवेश करने या कराने का कारण बनती है। चार, एक व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर किसी भी पहचान की जानकारी एकत्रित प्रसारित कॉपी या अन्यथा प्रसारित करती है। आपको उन अपराधों को खोजने की ज़रूरत है जिसके परिणाम स्वरूप 3 साल तक की अवधि के लिए कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता होगा जो 10,00,000 रुपये से कम नहीं होगा।
तो अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया हुआ है कि 10 लाख का जुर्माना कब होगा, कब होगा। ऑप्शन में दिए है, ए में दिए है 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1 और 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। नंबर एक दिए है, किसी व्यक्ति या कंपनी किसी भी हटाने योग्य स्टोरेज मीडिया में संग्रहित किसी भी जानकारी को नष्ट या हटा देता है या केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में बदलता है, इसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या किसी भी माध्यम से इसे हानि पहुंचाता है। नंबर दो, कोई व्यक्ति या कंपनी अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करता है, छुपाता है, नष्ट कर देता है या बदलता है। नंबर तीन, एक व्यक्ति या कंपनी कोई झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करने, किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने का प्रयास करती है, भले ही मृत या जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक हो। नंबर चार, एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 के उपधारा 5 का उल्लंघन करने किसी भी जानकारी को साझा करती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, बी में 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1 और 4। तो ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। नंबर एक दिया है, एक व्यक्ति या कंपनी को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहचान संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा रहा, लेकिन शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह ऐसा करने के लिए। दूसरा कह रहा है, कोई व्यक्ति या कंपनी अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करता है, छुपाता है, नष्ट कर देता है या बदलता है। तीसरा, एक व्यक्ति या कंपनी भले ही मृत या जिंदा, वास्तविक हो या काल्पनिक, कोई भी झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करने, किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने या किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने का प्रयास करती है। या चौथा क्वेश्चन नंबर है, एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 के उपधारा 5 का उल्लंघन करने किसी भी जानकारी को साझा करती है या धारा 29 के उल्लंघन में जानकारी का। तो ये चार अपराध दिए गए हैं। अब ये अपराध कौन से सही होंगे? ऑप्शन दिया है एक में, ऑप्शन ए में 1, 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन बी 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। तो इतने सारे चार अपराधों में से कौन से ऑप्शन कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर हमारा डी 1 और 3 सही है। तो दोस्तों, ये थे चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर 9 जल्द ही आपको मिलेगा, तो चैनल में बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सहयोगियों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।